साहिबगंज मिर्जा चौकी के करमटोला और हाजीपुर एनएच 80 मुख्य मार्ग सड़क की मरम्मती कार्य में काफी अनियमितताएं बरती जा रही है। एक तरफ तो सड़क की मरम्मतीकरण का कार्य चल रहा है तो दूसरी तरफ सड़क उखड़ती और जर्जर होती नजर आ रही है। आज हालात यह है कि सड़क पर पानी जमा है। वहीं सड़क की मरम्मतीकरण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि ठेकेदार बेहद ही निम्न स्तर के सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सड़क की मरम्मती नहीं हो रही है बल्कि वह और भी ज्यादा खराब हो रही है। दिख रही है सड़क जो है, ये झारखंड का, ये साहेबगंज जिला का है। अभी कुछ दिन 15 दिन पहले ये सड़क बना हुआ है करमटोला से मिर्जा चौकी के बीच में, और देख रहे कि ये कौन सा मटेरियल यूज किया गया हुआ है। हर जगह जगह पे खड्डा हो चुका है, इससे ग्रामीण लोगों को भी बहुत दिक्कत होता है और राहगीर को भी आने जाने में बहुत कठिनाई परेशानी सामना करना पड़ता है। हर जगह खड्डा हो गया, 15 दिन पहले ये रोड पिचिंग हुआ था, कहीं पिचिंग अच्छा है तो कहीं खड्डा हो चुका है, कहीं पिचिंग अच्छा है तो कहीं खड्डा हो चुका हुआ है। ये सड़क बना था और आज के डेट में लग रहा है कि जैसे ये ज्यों का त्यों है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। पता नहीं कैसा मटेरियल यूज किया है कि फिर वही गड्ढा हरा गया। अभी भी बरसात में तो और ज्यादा दिक्कत है। वहीं कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि ओवरलोड वाहनों का परिचालन होने के बावजूद इस सड़क का निर्माण क्षमता के अनुसार नहीं किया जा रहा, केवल सड़क मरम्मती के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। हम लोग अभी जो साहेबगंज मिर्जा चौकी जो एनएच बना है 80, ये हम लोग अभी साइकिल लेके जा रहे थे, नट गिर जाता है तो अभी एक महीना रोड नहीं बना हुआ है और इसमें क्या अपने अभी दिक्कत हो रही है आदमी को, है धस गया है और रोड सब खत्म हो गया। अभी हम प्रॉब्लम अभी हम लोग कितना होता है, एक भट होना, पानी में टपना पड़ता है, गड़बड़ बन रहा है, रोड बनता है एक साइड से बन रहा है, एक साइड टूट रहा है, तो बाद गढ़ा गुड़ी है, कहीं रोड सक्सेस नहीं है, कतरा नहीं डालता है, लोग गिट्टी डाल के रोला चला के अपना चला जाता है, बोलने बोलता है कि इसी तरह बनता है, इसमें आप लोग निगरानी करिए। रोड में घटिया माल देकर काम किया जा रहा है, इसमें 75% गर्दी रहता है और 25% हाफ इंची वगैरह मिलाकर दिया जाता है और इसमें कुछ दिया नहीं जाता है, एक तरफ बनता है दूसरे तरफ से टूट जाता है, टूट रहा है, एक दिन दो दिन भी रोड नहीं टिकता। इधर इस मामले को लेकर साहिबगंज कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग के जिलाध्यक्ष मुन्ना कुमार यादव की माने तो घटिया सड़क निर्माण को लेकर साहिबगंज जिला उपायुक्त रामनिवास यादव को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अब तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। परंतु अब जिला प्रशासन से एक बार फिर अनुरोध है कि सड़कों में होने वाली अनियमितता की जाँच करवाई जाए ताकि सड़कें दुरुस्त रहे और राहगीरों को भी बेहतर सुविधा मिल सके। ये करमटोला और हाजीपुर के बीच जो है एनएच 80 का मरम्मती की कार चल रही है, जो कि बहुत ही घटिया किस्म की ये कार हो रही है, और हमने इस विषय पर जो है साहेबगंज उपायुक्त को एक आवेदन के तौर पर हमने लिखित में दिया था कि इस जो है कार को जो है अच्छी ढंग से होनी चाहिए, और एक जिला प्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि अपने जिला में जो भी कार हो अच्छी ढंग से हो, जनता को सेवा अच्छा मिले, हर सुविधा, या तो हम तो इसमें लिखे हैं, ये भी लिखे थे कि चाहे वो केंद्र का योजना हो या राज्य सरकार की कोई भी योजना हो, साहेबगंज जिला में लापरवाही बिल्कुल बरती नहीं जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हमने मांग किया था कि सड़क की जो है गुणवत्ता की जांच हो, उसके बाद जो है फिर इस कार को जो है जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हमने मांग किया था, जो कि अभी तक इस विषय पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई है, और इस विषय पर हम उपायुक्त से फिर एक बार मिलना चाहेंगे कि जो आवेदन हमने आपको दिया था इस कार्य के लिए, आप सर उस पर क्या कार्रवाई किए। प्रीतम पांडे, न्यूज़ लाइव, साहिबगंज।